संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री मकड़ीनाथ जी महाराज एवं सातड़ा आश्रम। एक परिचय। संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री मकड़ीनाथ जी महाराज का जन्म फतेहपुर शेखावाटी में श्रावण शुक्ल द्वादशी संवत 1979 में हुआ। आपके पिता श्री जोधराज जी एवं माता श्रीमती हुलसी देवी धार्मिक दंपति थे। आप फतेहपुर के संपन्न जांगिड़ परिवार से थे, लेकिन संतान सुख नहीं था। आपका फतेहपुर के नाथ आश्रम में आना जाना था। यहीं एक बार आपने श्री ज्योतिनाथ महाराज के समक्ष संतान सुख से वंचित होने की पीड़ा जाहिर की। श्री ज्योतिनाथ ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, लेकिन होने वाली संतान को संतों की सेवा में लगाने का वचन भी ले लिया। जोधराज एवं हुलसी देवी सहर्ष तैयार हो गए। तत्पश्चात आपको पहली संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम पंडितों ने ब्रजलाल रखा। संत को दिए वचन के अनुसार बच्चे के 6 महीने का होने के बाद जागीण दंपति ब्रजलाल को फतेहपुर के नाथ आश्रम में छोड़ने आए, लेकिन बाबा जी ने बालक के चरण चिन्ह, हस्तरेखाएं एवं ललाट की भावभक्ति देखकर बच्चे को वापस जांगिड़ दंपति को सौंप दिया और कहा, आप इसका लालन पालन करें। कुछ समय पश्चात विक्रम संवत 1969 में श्रावण शुक्ल द्वादशी को जांगिड़ दंपति के घर एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। जन्म के समय से ही यह बालक चमत्कारी दिखने लगा। उसके ललाट पर आधे तिलक की तरह 3 रेखाएं थीं। पंडितों ने जोधराज मिस्त्री से कहा, यह बालक बहुत भाग्यशाली है, इसका नाम मुन्नीराम रख दिया। संतों से किए वादे के अनुसार जांगिड़ दंपत्ति फिर फतेहपुर स्थित नाथ आश्रम पहुंच गए और दोनों बच्चों को श्री ज्योतिनाथ जी महाराज के सामने खड़ा कर उनमें से किसी एक को संतों की सेवा करने के लिए स्वीकार करने का आग्रह करने लगे। संत ज्योतिनाथ जी महाराज ने छोटे पुत्र मुन्नीराम का हाथ पकड़कर कहा, यह बालक किसी बड़े आश्रम का मालिक होगा, इसके भाग्य में भक्ति रेखा है, यह एक तपस्वी संत होगा, इसलिए 3 वर्ष बाद इस बालक को आश्रम छोड़ जाना। बाद में 3 साल और 8 महीने के होने पर परिजन मुन्नीराम को आश्रम छोड़ गए। इसके बाद श्री ज्योतिनाथ जी महाराज के आदेश से विक्रम संवत 1974 फाल्गुन सुदी पूर्णिमा को संन्यास धारण किया और गुरुजी ने नाम रख दिया श्री मकड़ीनाथ। छोटा सा बालक धीरे धीरे आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में रचने बसने लगा और संतों की सेवा करते करते संतों का प्रिय बन गया। बड़े होने पर आश्रम की गायों की सेवा से लेकर आश्रम के भंडार गृह, रसोई गृह एवं आने वाले भक्तों की देखरेख का जिम्मा गुरुजी ने मकड़ीनाथ जी को संभलवाना शुरू किया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उसी समय चूरू तहसील के सातड़ा आश्रम के कुछ चौधरी आश्रम आए। आराम करके भोजन आदि करने के बाद श्री मकड़ीनाथ जी से आग्रह करने लगे कि हमारे गांव में अनेक संतों का जन्म तो हुआ, लेकिन कोई भी संत वहां नहीं रहा, अतः आप हमारे जनपद को अपनी तपस्या के लिए चुनें। अपने गुरु श्री ज्योतिनाथ जी से अनुमति लेकर श्री मकड़ीनाथ जी विक्रम संवत 2003 में मार्गशीर्ष वधि त्रयोदशी को ऊँटों पर सवार होकर सातड़ा आ गए, लेकिन उन्होंने वहाँ के लोगों से कहा कि मैं किसी के घर पर नहीं रहूंगा और गांवों की जाटों की शमशान भूमि में बनी एक छतरी में अपना बिस्तर बिछाकर तपस्या करने लगे। संत आगमन का समाचार सुनकर धीरे धीरे चूरू, रामगढ़ और फतेहपुर के अनेक लोग आशीर्वाद लेने पहुंचने लगे। तत्पश्चात गांव के सहयोग से विक्रम संवत 2004 बैशाख सुदी पंचमी को आश्रम की नींव भरवाई गई और एक शिवालय का निर्माण करवाया गया। धीरे धीरे आश्रम के विस्तार के साथ श्री मकड़ीनाथ जी के त्याग, तप, तपस्या और योग साधना की चर्चा चारों ओर होने लगी। आज भी उनके चमत्कार की जन चर्चा जगह जगह सुनने को मिल जाएगी। CLC निर्देशक इंजीनियर श्रवण चौधरी के पिता श्री प्रेम सिंह चौधरी जी बताते हैं कि उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति श्री मकड़ीनाथ जी के आशीर्वाद से ही हुई है। विक्रम संवत 2032 आषाढ़ बदी दूज को श्री मकड़ीनाथ जी ब्रह्मलीन हो गए एवं अगले दिन आषाढ़ बदी तीज को समाधि दी गई। श्री मकड़ीनाथ जी महाराज अपने पीछे धर्म, कर्म,
त्याग तपस्या अवतार चमत्कार की अनूठी विरासत छोड़ गए, जिसका निर्वहन वर्तमान में उनके परम शिष्य श्री श्री 108 श्री ज्ञाननाथ जी महाराज कर रहे हैं। श्री ज्ञाननाथ जी महाराज भी अपने गुरु की भांति ही मितभाषी हितभाषी एवं मृदभाषी हैं, शिव सेवक एवं गौ सेवक हैं। आज भी सातड़ा आश्रम जो कि मनाथी संत संप्रदाय का ऊंचा आश्रम है, जन जन की आस्था का केंद्र है।